Failed policy reform is also one of the important reasons of emergence of governance in developing world. Multiple policy reforms were undertaken by developing countries in 1980s. जिस तरह हमने एंड ऑफ कोल्ड वॉर के मॉड्यूल में ये देखा कि उसकी वजह से बहुत सी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आई पूरी दुनिया में, क्योंकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हमें नज़र आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इकोनॉमीज में तब्दीली आई, और उन इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से और पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से दुनिया के हर मुल्क के ऊपर उसका असर आया. और उन सबको डील करने के लिए डेवलपिंग वर्ल्ड ने भी और उनकी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनकी गवर्नमेंट ने भी 1980s में बहुत से पॉलिसी रिफॉर्म्स किए ताकि नए चैलेंजेस को इफ़ेक्टिवली डील किया जा सके. अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिसी रिफॉर्म्स जो हैं वो फेल हो गए और उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे और उनके आउटकम्स जो हैं वो बहुत अच्छे हमें नज़र नहीं आते. सो इन सब चीज़ों की वजह से गवर्नेंस को एक पोजीशन मिली या वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था उन पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से, उसको गवर्नेंस ने फिल इन किया इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. और डेवलप कंट्रीज ने ये मॉडल जो उनका सक्सेसफुल मॉडल था उसको इम्प्लीमेंट किया डेवलपिंग वर्ल्ड में, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को उसके हिसाब से मीट कर सकें और लोगों को सर्विस डिलीवरी को बेहतर कर सकें, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें और अपने पॉवर्टी और जो जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको डील कर सकें. फ्री मार्केट स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड न्यू मोड ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि 1980s में मार्केट की इंडिपेंडेंस का इरा था और उसमें मार्केट को बहुत ऑटोनॉमी मिली, ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज में भी. और यहाँ पर बिजनेस जब आना शुरू हुआ उसकी वजह से मार्केट की एक इंडिपेंडेंस भी क्रिएट होनी शुरू हुई. सो इन सब चीज़ों की वजह से उन सबको डील करने के लिए गवर्नमेंट को नए मॉडल की भी ज़रूरत थी, जबकि जो पॉलिसी रिफॉर्म्स लोकली लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाए गए वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं थे, जिसकी वजह से उनके फेलियर की वजह से गवर्नेंस को जो है वो एंट्री मिली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और उसका इस्तेमाल जो है वो इतना ज़्यादा हमें नज़र आता है आजकल अपने मुल्कों में. इट वॉज़ रियलाइज बाय द ऑर्गेनाइजेशंस दैट गुड गवर्नेंस वॉज रिक्वायर्ड इन मार्केट फ्रेंडली एनवायरमेंट. सो अगर मार्केट फ्रेंडली एनवायरमेंट जो कि बहुत ज़्यादा 1980s और 1990s में यहाँ पर डेवलप होना शुरू हुआ, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को ये ज़रूरत महसूस हुई कि बेहतर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए, और उसके लिए गवर्नेंस को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया. दिस रियलाइजेशन प्रमोटेड एंड इनकरेज द इमर्जेंस ऑफ गवर्नेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इट हेल्प टू डेवलप एंड एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग मार्केट्स इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. जब फ्री मार्केट एनवायरमेंट इंट्रोड्यूस हुआ और उसकी डिफरेंट रीजंस हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सो उस फ्री मार्केट के लिए, उसकी रेगुलेशन के लिए, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनकी कंट्रोलिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी भी वैसी होनी चाहिए थी जो पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल में फुलफिल नहीं हो सकती थी. सो उन कैपेसिटीज़ को बिल्ड करने के लिए और उन स्टेट इंस्टीट्यूशंस की स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए गवर्नेंस को अडॉप्ट किया गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ताकि जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं उनको बेहतर तौर पर डील किया जा सके और लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जा सकें और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर किया जा सके.